अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, बुक हमारी सेम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो अभी तक फॉलो कर रहे हैं हम। पेज नंबर 343 है। उससे पहले हम जो न्यूरल नेटवर्क को ही मजीद लर्निंग कर रहे थे, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग नेटवर्क है, तो हम ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग दे आर प्रेजेंटेड विद प्री क्लासिफाइड ट्रेनिंग डाटा। ओके, ठीक है जी। अनसुपरवाइज्ड का मतलब यही है कि अभी प्री क्लासिफाइड है, अभी क्लासिफिकेशन नहीं हुई ट्रेनिंग डाटा के लिए। बिफोर बीइंग आस्क्ड टू क्लासिफाई अनसीन डाटा, के मतलब उसको कैसे करना है, आगे कैसे चलना है, अभी तो ये होता है आपका अनसुपरवाइज्ड मैनर। उसको कितने नंबर ऑफ मेथड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है, कैसे वो न्यूरल नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट होगा, दिस इज द अनसुपरवाइज्ड मैनर फॉर लर्निंग। तो कॉनन मैप्स को पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो कॉनन मैप जो है आपका और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग फीचर मैप होता है, इज़ अ फॉर्म ऑफ न्यूरल नेटवर्किंग। इसमें इन्वेंट किया था कॉनन ने 1980s में। इसको कॉनन मैप यूजेस द विनर टीक ऑल ऑल एल्गोरिथम, सॉरी मतलब कि ये जो है सारे एल्गोरिथम्स को ज़्यादा अच्छे से, मतलब कम्पिटेटिव लर्निंग इसको कहा जाता है, कम्पिटेटिव है और तो अच्छा एल्गोरिथम है ये। द विनर टीक एल्गोरिथम यूजेज द प्रिंसिपल डेट ओनली वन न्यूरोन प्रोवाइड द आउटपुट ऑफ द नेटवर्क रिस्पॉन्स टू गिवन आउटपुट। तो अगर ये अच्छा है तो अभी वो क्या कह रहा है, ओनली वन न्यूरोन के लिए इसकी आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए इट्स बेस्ट। हाइएस्ट एक्टिवेशन लेवल यूज होता है ड्यूरिंग लर्निंग, ओनली कनेक्शन टू दिस न्यूरोन हैव देयर वेट्स ऑल्टर्ड, सारा काम उसका होना चाहिए। तो इसका पर्पज़ क्या है कॉनन मैप का, इज़ टू क्लस्टर डाटा, जो आपकी क्लस्टर इनपुट डाटा आती है उसको नंबर ऑफ क्लस्टर्स में कन्वर्ट करना, झुड़मट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी ये काम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉनन मैप कुड बी यूज टू क्लस्टर न्यूज़ स्टोरीज इन टू सब सब्जेक्ट कैटेगरीज, ठीक है। जैसे कि कॉनन मैप में टू लेयर्स होती हैं, कॉनन मैप्स की कितनी लेयर्स हैं, टू लेयर्स हैं, एक इनपुट लेयर है जैसे हम क्लस्टर है और दूसरी है आपकी क्लस्टर लेयर, ठीक है जी, एज एन इनपुट लेयर एंड अ क्लस्टर लेयर विच सर्व्स एज द आउटपुट लेयर। ईच इनपुट नॉड इज़ कनेक्टेड टू एवरी नॉड इन द क्लस्टर लेयर, जैसे कि हमने प्रीवियस मल्टी लेयर में देखा है कि मल्टीपल इनपुट जो है मल्टीपल वेटेड सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, जो फीडर लेयर्स होती है हमारी। मेथड यूज़ होता है, मेथड क्या है इसका, ट्रेन करना है कॉनन मैप के जरिए। इनिशियली ऑल वेट्स आर सेट टू अ स्मॉल रैंडम वैल्यू, जितने भी उसकी वैल्यूज़ हैं उसको रैंडम वैल्यू में सेट कर देंगे। लर्निंग रेट जो हमारा अल्फा था इज़ आल्सो सेट यूजुअली टू अ स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, और उसको हम क्या करेंगे स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू में शिफ्ट कर देंगे, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू नहीं होती, जैसे कि अब मैं कहूँगी +9999, ये वैल्यू बहुत लार्जेस्ट हो गई, स्मॉलेस्ट स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, जैसे +1 हो गया, +2 हो गया, +1 2 हो गया, दैट्स इट, इतनी। तो यहाँ पे इसके मल्टीपल वेक्टर्स में हम इसको डिटरमाइन करते हैं, टू डिटरमाइन विच न्यूरॉन विंस इट्स वेट आर ट्रीटेड एज अ वेक्टर। तो जैसे हमारा प्रीवियस फार्मूला था यूस्लिडियन, हमारा जो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है इनपुट का, तो ये इस तरीके से निकालते हैं डी आई, जो हमारा प्रीवियस फार्मूला था उसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दिया, दैट्स इट। वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ न्यूरॉन इन द इनपुट लेयर हैज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इनपुट फैक्टर। तो हमें ये बार बार चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है कि एन क्या है। डब्ल्यू आई वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स आपकी वैल्यू को, ये आपको टू वैल्यूज टू मैट्रिक्स के फॉर्म में वैल्यू दी है, तो डी आई में इसकी वैल्यूज पुट की हैं, सिंपल। अब ये वैल्यू पुट करने का कोई और मकसद नहीं है, ये सम अप ही तो करना होता है ना। समीशन का क्या मतलब है सम अप करना, जैसे कि 1 -3 हो गया, 2 -- कितना हो गया, प्लस हो गया ना, तो हम इसको प्लस करना, ये बाहर वाले तो प्लस ही हैं, -1 और -2, तो ये आपका इस तरह फार्मूला जो है निकला है। तो आप खुद देख लो कि डब्ल्यू आई जे -XI है ना, तो इसको माइनस करना है हमने, और बाकी जो ये फार्मूला है ये आपका सम अप का है, सारी वैल्यू को क्या कर रहे हैं सम कर रहे हैं। यूस्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 4, द
ये किस वैल्यू के लिए है? स्मॉलेस्ट द विनर द न्यूरॉन ईट्स वीट वेक्टर ऑपरेटेड एज फॉलोज. तो ये हमारे पास आता है फार्मूला. तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए बेस्ट है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब इतने हमारे पास जो है वो रेडियस वैल्यूज आई हैं. तो हमारे पास इतनी ट्रेनिंग डाटा जो है वो टर्मिनेट हो गई यहाँ पे आके. तो 3x3 ग्रिड के लिए भी हम इसको कर सकते हैं. तो आप उसके ऊपर भी कोई एग्जांपल्स लें, इंटरनेट से डाउनलोड करें और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें. ट्रेनिंग डाटा फॉर द कॉर्नर मैप, आप देखो X1 और X2 सिंपल कहाँ कहाँ पे लाई हो रही होंगी. बेटा ये जो आपको मैप शो हो रहे हैं ना, जब हम मैट लैब के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर रन करते हैं तो वो इमेजेस ऐसे जो ग्राफ्स है ना, इस तरह शो हो रहे थे. हमारे डाटा के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कहाँ कहाँ लाई कर रही है. और VT ये ऐसे है कि कौन सी चीज़ किसके साथ अटैच है, कौन सी नोड किसके साथ अटैच है. ओके जी, फिर उसके बाद आती है हेबियन लर्निंग. हेबियन लर्निंग के बेस्ड ऑन द हैब्स लॉ व्हिच वाज स्टेटेड बाय द DO हैब्स इन 1949. हैब्स लॉ इज स्टेटेड एज फॉलोज. तो हैब्स लॉ ने क्या कहा था, व्हेन एन एक्सॉन ऑफ अ सेल न्यूरॉन के अंदर एक्सॉन था ना, इज अ नियर इनफ टू एक्साइट अ सेल बी एंड रैपिडली और परसिस्टेंटली टेक्स पार्ट इन फायरिंग इट. जब तक वो फायरिंग हो जाता था, सम ग्रोथ प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक चेंज और उसके अंदर जो चेंजेस अगर हो रही होती, टेक्स प्लेस इन वन और बोथ सेल सच डैट इज एफिशेंसी एज वन ऑफ द सेल फायरिंग बी इज इंक्रीज. उसके अकॉर्डिंग वो उसकी क्या एफिशेंसी इंक्रीज हो जाएगी. तो जैसे कि 2 न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स डेट आर कनेक्टेड टू ईच अदर फायर एट द सेम टाइम, द वेट ऑफ द कनेक्शंस बिटवीन दोज न्यूरॉन इज इन इंक्रीज. तो उसी तरह उसके न्यूरॉन्स जो है वो कनेक्शंस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए. कन्वर्सली इफ़ द न्यूरॉन्स फायर एट डिफरेंट टाइम, अगर वो डिफरेंट टाइम में फायर कर रहे हैं, द वेट ऑफ द कनेक्शन बिटवीन दैन इज डिक्रीज. तो यहाँ पर इंक्रीज हो गए अगर वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, सेम टाइम पर कर रहे हैं तो इंक्रीज होगा न्यूरॉन्स. और यहाँ पर क्या होगा, उसका कनेक्शन जो है वो डिक्रीज होगा. न्यूरॉन यूज हेबियन लर्निंग टू लर्न विदाउट नीडिंग टू बी गिवन प्री क्लासीफाइड. इसमें कोई भी प्री क्लासीफिकेशन ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये जस्ट आपको इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बताता है. तो एक्चुअली ये जो सारी चीज़ें हैं इसको थ्रू आउट देख लीजिएगा आप लोग. अल्फ़ा लर्निंग रेट है, हमें पता है एक्स आई इनपुट के लिए है, आई आपकी नोड मतलब नोड आई के लिए है, और वाई आई आउटपुट है तो नोड आई के लिए है. अगर जे है तो वो आपके उसके उसके कंट्रीब्यूट नोड्स होंगी ना, जैसे आई जे मतलब कम मल्टीपल आई जे एक्स वाई जी मल्टीपल चलती जा रही हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग नोड्स हैं. तो ये जो रूल है इसको हम कहते हैं एक्टिविटी प्रोडक्ट रूल. ए एल आपका लर्निंग रेट को वाई आई से डॉट एक्स आई से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन को कहते हैं ना. तो ये जो परफॉर्म हो रही है इसको एक्टिविटी प्रोडक्ट रूल कहते हैं. बाकी ये तो हमें पता ही है, इम्प्लाइज डैट प्रीवियस रूल हमारा था. तो यहाँ पे ये आपका फॉरगेटिंग, जो इस तरह हम फाई डाल देते हैं इसको फॉरगेटिंग फैक्टर कहते हैं. हैब्स लॉ इसके जो वेट डिक्रीज और इंक्रीज के ऊपर डिपेंड करता है. ओके जी, यहाँ तक आप लोगों का चैप्टर वाइंड अप हो गया. हमने जो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कॉर्नन मैप्स को देखा, ठीक है, और हेबियंस लर्निंग को देखा. ओके स्टूडेंट्स, अब जो है मैंने आपकी ये वाली स्लाइड्स ओपन की है. ये आपका मेन फोल्डर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फाइनल टर्म CSI IT फाइनल, ठीक है, फाइनल थ्योरी के अंदर आई हो. ये तो आपकी बुक थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इल्यूमिनेटेड की, इस वजह से तरह हमने पढ़ना था वो हमने कंप्लीट कर लिया. अब ये ओपन किए, ये भी सारे पढ़े हैं एल्गोरिथम के, नियरेस्ट के RR, नेव बाइट्स, TSP यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम, उसके अलावा भी देख लेंगे. तो ये मैंने ओपन किए हैं स्लाइड जेनेटिक एल्गोरिथम की, ठीक है जी, आपकी जेनेटिक एल्गोरिथम्स हैं. तो ये सारी इसके अंदर चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, सर्च टेक्निक, बेसिक कंसेप्ट, बायोलॉजिकल बैकग्राउंड, सर्च स्पेसिस, फिटनेस फंक्शन, सिंपल जेनेटिक एल्गोरिथम, इनकोडिंग, GA ऑपरेटर्स, रिप्रोडक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन, पैरामीटर्स ऑफ GA, एग्जांपल्स, बेनिफिट्स, एप्लीकेशन, कंक्लूजन, और उसकी बिब्लियोग्राफी होती है जहाँ जहाँ से आपने ये चीज़ें उठाई हैं उसके रेफरेंसेस दिए गए.
ओके जी, इंट्रोडक्शन में देखते हैं कंप्यूटराइज सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम बेस्ड ऑन डार्विन्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये सिंपल कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में हम कंप्यूटराइज सर्च और ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, फास्ट एल्गोरिथम जो है वो यूज़ करते हैं नेचुरल सिलेक्शन के लिए। पार्ट ऑफ एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिमुलेट प्रोसेस इन नेचुरल सिस्टम, नेसेसिटी फॉर एवेल्यूशन, सिंपल इंट्रोडक्शन है। स्ट्रक्चरल आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, बायोलॉजिकली प्रॉब्लम, कंप्यूटर साइंस, इमेज प्रोसेसिंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन, फिजिकल साइंस, सोशल साइंसेज एंड न्यूरल नेटवर्क सिस्टम के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। ग्राफिकल आपका ये है जेनेटिक एल्गोरिथम। प्रोवाइड एफिशिएंट इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर ऑप्टिमाइजेशन, यस आपके जेनेटिक एल्गोरिथम है वो हमें एफिशिएंट और इफेक्टिव टेक्निक्स प्रोवाइड करते हैं ऑप्टिमाइजेशन होता है स्पीड अप, फास्ट, अच्छी, बेस्ट अप्रोच के लिए। हिस्ट्री कंटिन्यू है, एवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग 1960 बाय रिचेनबर्ग, डेवलप बाय जॉन हॉलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन। नाम देखे साइंटिस्ट के ऐसे ही होते हैं। ओके जी, 1970 में, मतलब डिफरेंट इंट्रोडक्शन, हमें ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो ये बस आपको इंट्रोडक्शन बता रहा है कि ये एवोल्यूशनरी हुई ऑप्टिमाइजेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके जी, सर्च टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा ब्रीक है, होप सो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। सर्च टेक्निक्स है, देखिए यहाँ पे कैलकुलस बेस्ड टेक्निक है, उसके बाद फर्दर इसकी एलेबोरेशन हो रही है, डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। आई थिंक ये गाइडेड होगा, गाइडेड रैंडम सर्च टेक्निक है, या फिर ये वर्ड तो कोई भी नहीं है, या फिर वी है या यू है, क्या पता नेक्स्ट ये अवेलेबल हो। न्यूमरेटिव टेक्निक है, उसके बाद सिम्युलेटेड एनीलिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग, सो ऑन, न्यूटन एंड दैट वगैरह, जो भी है बड़ा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। फिर पैरेलल, सीक्वेंशियल, सेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, स्टेडी, मतलब एक एक वर्ड जो है वो खाया हुआ है इनका, ठीक है। जैसे एवोल्यूशनरी होगा ये, ठीक है जी, ये अब जेनेटिक एल्गोरिथम है, जैसे कि ये वर्ड गाइडेड है, तो इस तरह ये खाए हुए हैं इनके वर्ड्स, एवोल्यूशनरी है, तो कोई नहीं, इस तरह मिसिंग है इसके अंदर। तो ये डायग्राम आप लोगों अगर सर्च करेंगे सर्च टेक्निक्स के नाम से, तो आप लोगों को गूगल के ऊपर, मतलब आप सर्चिंग में भी मिल जाएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट, जी ए कन्वर्ट डिज़ाइन स्पेस इंटू जेनेटिक स्पेस, वर्क्स विद द अकॉर्डिंग वेरिएबल, देखेंगे इसके अंदर। ट्रेडिशनल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आर डिटर्मिनिस्टिक्स इन नेचर, बट जेनेटिक एल्गोरिथम यूजेस रैंडमाइज्ड ऑपरेटर्स। अब थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके, डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डेफिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन, पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसकी जेनेटिक इम्प्लीमेंटेशन क्या है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ऑपरेटर्स क्या लगते हैं। बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के हिसाब से देखते हैं, ईच सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन्स क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे कि हमें बायोलॉजिकल देखते हैं ना, क्रोमोसोम्स होते हैं डीएनए सिस्टम के अंदर। ईच क्रोमोसोम्स कंटेन्स अ सेट ऑफ जीन्स, ब्लॉक ऑफ डीएनए, अ कलेक्शन ऑफ जीन्स, जीनोटाइप। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि कितने परसेंट एक्यूरेसी है, वो इमेजेस के ज़रिए पता कर चल जाता है कि कितने परसेंट जो है वो मैच हो रही है, कितने परसेंट जो है वो मिसमैच है। अ कलेक्शन ऑफ एस्पेक्ट्स लाइक आई कलर हो गया, फेनोटाइप, उसके बाद रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स, जो भी आपके पेरेंट्स से जीन्स इन्वॉल्व हुए हैं वो सारा कुछ यहाँ से पता चल सकता है। मतलब आप लोग किसी भी चीज़ का सैंपल ले लें इंसान का, उसका डीएनए जो है वो टेस्ट किया जा सकता है आज के दौर में। द फिटनेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज हाउ मच इट कैन रिप्रोड्यूस बिफोर इट डाइज, मरने से पहले, ठीक है। जेनेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि ये आपका पूरा डीएनए सिस्टम है, ये उसके स्ट्रेन है, ये आपका जीन है, और ये उसका जो एक सैंपल है वो होता है क्रोमोसोम्स, एक्स है या वाई है या मल्टीपल है। सर्च स्पेस, दी स्पेस फॉर ऑल पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशंस, ईच फिजिबल सॉल्यूशन कैन बी मार्क बाय इट्स वैल्यू ऑफ द फिटनेस ऑफ द प्रॉब्लम, तो वो उसकी प्रॉब्लम या मार्क कोई भी चीज़ है वो उसकी फिटनेस के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती है।
Genetic algorithm is started with a set of solutions called populations. Yes, genetic calculation आपके set of solution population जितनी भी तादाद है दुनिया के अंदर population है उसको combine कहा गया है. Used to form a new population, more suitable, more chances to select. This is repeated until best population is obtained. मतलब उसके हिसाब से repeat किया जा सकता है जब तक best population जो है वो आपको ना मिल जाए, मतलब best result ना मिल जाए. Fitness function पार्टिकुलर सोल्यूशन में भी रैंक्ड अगेंस्ट ऑल मेयर्स द क्वालिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेड सोल्यूशन इट इज़ ऑलवेज प्रॉब्लम डिपेंडेंट. देखिए बात वही है, हम सर्च क्यों करते हैं? अगर वो कोई प्रॉब्लम पे अकर ही नहीं हो रहा तो फिर हमें क्या ज़रूरत है उसको सर्च स्पेस के अंदर लेके आने की. कोई चीज़ प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तभी तो हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे. द फिटनेस ऑफ अ सोल्यूशन इज मेयर्ड हाउ बेस्ट इट गिव्स द रिजल्ट. आप फिटनेस बंदा जो है उसको सर्च करके देखेंगे कितने परसेंट रिजल्ट आ रहे हैं. फॉर इंस्टेंस नैपसैक प्रॉब्लम फिटनेस फंक्शन इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ द थिंग्स इन द नैपसैक. तो ये उसके ऊपर डिपेंड होती है. अब यहाँ पे नैप्स है कोई और अदर वर्ड नहीं है, ये सिंपल मुझे था कि शायद आप लोगों को पता. एनी वे नैप्स है कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये आपकी फ़िटनेस से रिलेटेड. जैसे कोई बंदा वॉक करता है तो वो कितना परसेंट जो है वो फिट है, ठीक है, उसकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं आपकी फ़िटनेस के फंक्शन. बाकी आप इधर से सर्च करना चाहिए तो गूगल के ऊपर भी सर्च करके देख सकते हैं. सिंपल जेनेटिक एल्गोरिथम का ये स्टेप है. देखिए जब हम जेनेटिक एल्गोरिथम लिखते हैं तो हमें ये स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं. स्टेप वन से स्टेप फाइव है, ठीक है जी. स्टेप वन है इनकोडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इन अ बाइनरी स्ट्रिंग. यस, सबसे पहले अगर आप इनकोडिंग करना चाहते हो तो वो बाइनरी स्ट्रिंग होनी चाहिए 01, ठीक है. उसके बाद रैंडम जनरेशन ऑफ अ पॉपुलेशन, कोई भी रैंडम उठा लो. फिर उसके बाद कैलकुलेट करो फिटनेस ऑफ ईच सॉल्यूशन, हर एक के जो है वो कैलकुलेशन करें. फिर उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट पेयर्स ऑफ पेरेंट्स स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द फिटनेस. फिर उसके अकॉर्डिंग उसके पेरेंट्स की जो स्ट्रिंग है उसको उठाओ. जनरेट न्यू स्ट्रिंग विद क्रॉस ओवर एंड म्यूटेशन, दो पहलू होते हैं ना म्यूटेशन, अनटिल अ न्यू पॉपुलेशन हैज़ बीन प्रोड्यूस. तब तक वो करें उसको क्रॉस ओवर जब तक न्यू पॉपुलेशन जो है वो प्रोड्यूस ना हो जाए. रिपीट स्टेप 2 to 5 अनटिल सेटिस्फाइंग सोल्यूशन इज ऑब्टेन. तब तक वो करना है जब तक हमारा एक्चुअली मैचिंग सिस्टम ना हो जाए. तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है आपके DNA सिस्टम के ऊपर. ओके, फिर उसके बाद आता है फर्स्ट पॉइंट इनकोडिंग था. द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, क्योंकि हम इसको 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, बाइनरी इनकोडिंग करनी है. ईच क्रोमोसोम इज अ स्ट्रिंग ऑफ बिट्स 0 and 1. अब क्रोमोसोम ए उसकी स्ट्रिंग इतनी ले ली है उन्होंने, क्रोमोसोम बी है उसकी स्ट्रिंग इतनी ले ली है. फॉर एग्जाम्पल नैपसैक प्रॉब्लम है इनकोडिंग, मतलब फिटनेस हेल्दी ये चीज़ की प्रॉब्लम है इनकोडिंग. ईच बिट स्पेसिफाइड इफ द थिंग इज इन नैपसैक और नॉट. वो देखेगा कि हर बिट जो है वो आ रही एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही. परम्यूटेशन इनकोडिंग, ईच एवरी क्रोमोसोम इज अ स्ट्रिंग ऑफ अ नंबर विच रिप्रेजेंट द नंबर इन अ सीक्वेंस यूज इन ऑर्डरिंग प्रॉब्लम. और ये जो आपके क्रोमोसोम अभी ये नीचे शो कर रहे हैं ना, ये आपकी ऑर्डरिंग प्रॉब्लम को शो कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम, इनकोडिंग क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ सिटीज इन विच दी सेल्स मैन विल विजिट दैम. ये क्रोमोसोम्स ए रिप्रेजेंट करें, क्रोमोसोम बी है उसकी शफलिंग की हुई है. एवरी क्रोमोसोम इज़ आ स्ट्रिंग ऑफ सम वैल्यू, वैल्यूज़ कैन बी फॉर्म नंबर्स, रियल नंबर्स और करेक्टर. तो क्रोमोसोम्स ये यहाँ मतलब पॉइंट्स में वैल्यू दी गई हैं. क्रोमोसोम्स बी के लिए ये ABCD कैपिटल्स में लिखा हुआ है इसको. क्रोमोसोम सी के लिए देखें उसका लिखा है बैक बैक राइट फॉरवर्ड लेफ्ट. इस चीज़ की वैल्यू बैक बैक राइट फॉरवर्ड लेफ्ट, ये उसकी मूवमेंट है. फॉर एग्जाम्पल फाइंडिंग वेट ऑफ फॉर न्यूरल नेटवर्क दी प्रॉब्लम टू फाइंड द वेट ऑफ सैनैप्सिस कनेक्टिंग इन टू इनपुट टू हिडन लेयर. जैसे हम अभी आपको न्यूरल नेटवर्क मल्टी लेयर में बताया था ना, एक इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है, वही चीज़ ही है. क्योंकि ये उसके साथ ही लिंक हो रही है. अगर आपको मशीन लर्निंग नहीं आएगी तो ये कंसेप्ट ही समझ नहीं आएगा. इनपुट और हिडन लेयर एंड हिडन लेयर टू द आउटपुट, यही कनेक्शन है ना, इनपुट से हिडन लेयर, उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई हुए, न्यूरॉन्स जो है वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसके डेंट्रीज जो हैं इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं एक दूसरे को. तो हिडन लेयर आगे आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है. इनकोडिंग ईच वैल्यू क्रोमोसोम रिप्रेजेंट दी कोरेस्पॉन्डिंग वेट्स, हर जो क्रोमोसोम्स है उसकी अपनी जो है अपनी वेट है, अपने रिजल्ट्स हैं.
three encoding, the every chromosomes is a tree of some objects such as function or commands in a programming language, kuch bhi ho sakta, used for evolving programs or expression in programming languages, jaise ki aapka ye jo rule hai isko define kiya gaya na, plus x, उसके बाद आपकी ये जो ब्रैकेट है डिवाइडेड बाय 5y। अब क्या होता है बेटा, हमने ये प्लस से स्टार्ट हो रहा, चलो उसको तो लिख लिया, तो बेसिकली जो पहले ब्रैकेट वाला रूल होता है वो अप्लाई होता है इनर पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। अब डिवीजन था 5y, ये एक तरीकाकार है लिखने का इसको, प्लस एक्स, अब ये ब्रैकेट के अंदर था तो फिर ये आपने एक इसको जो आपके डिवीजन का साइन है उसको लिखा, फिर उसके बाद 5y लिखा। तो ये तो ऑलरेडी आप लोगों को प्रोसेसिंग लैंग्वेज सिस्टम बताया हुआ। डू अंटिल स्टेप वॉल, डू अंटिल स्टेप वॉल, जब तक वो डू अंटिल तब तक करे जब तक वो अपनी एक रिजल्ट तक ना पहुंच जाए। फॉर एग्जांपल फाइंडिंग अ फंक्शन फ्रॉम गिवन रूल्स, प्रॉब्लम क्या है, सम इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज़ आर गिवन, तो यहाँ पे कुछ इनपुट और आउटपुट वैल्यूज जो है वो हमें गिवन है। टास्क इज़ टू फाइंड अ फंक्शन, तो हमें यहाँ पे एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है, फंक्शन फाइंड आउट करना है, इसके ऊपर फंक्शन क्या है, कैसे काम कर रहा है, विच विल गिव द बेस्ट आउटपुट टू ऑल इनपुट्स, के उसके ऊपर कौन सा ऐसा फंक्शन लगेगा जो हमें बेस्ट आउटपुट देगा इस इनपुट के हिसाब से। तो समटाइम्स हमें इनपुट गिवन होती है, हमने उसके ऊपर फंक्शन भी लगाना होता है। आप यहाँ पे आउटपुट गिवन है और इनपुट भी गिवन है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि बेस्ट आउटपुट जो है वो किस फंक्शन के साथ अकर होगी। इनकोडिंग क्रोमोसोम्स आर फंक्शन रिप्रेजेंटेशन, तो ये जो है ऑपरेटर्स ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि लेक्चर आप लोगों का बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, तो आप लोगों ने इसको रीड आउट भी करना है और समझना भी है, डिफरेंट एग्जांपल्स देखें इसकी, जेनेटिक एल्गोरिथम आपके जो डीएनए सिस्टम है उसके ऊपर रिसर्च की बात हो रही है, बायोलॉजिकल टर्म है। न्यूरल नेटवर्क पढ़ लिया हुआ है, मशीन लर्निंग देख ली हुई है, मल्टी लेयर सिस्टम देख लिया हुआ है, तो वो आता है ये भी हो जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।